ओम कुंडलीकाक्ष प्रणातु कुंडलीकाक्ष प्रणातु कुंडलीकाक्ष प्रणातु श्री अम्बा दिगे भवानी अति कष्टानुभवतु। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी, हमारे घर में आज होने वाली है रुद्राभिषेक पूजा। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपको बताया था, जिन्होंने भी पिछला ब्लॉग देखा होगा, तो उस पूजा के लिए जो है हमें कुछ कुछ सामग्री की ज़रूरत थी। तो उसमें जो है एक सबसे जो महत्वपूर्ण था वह था जी यह केला का पत्ता। तो केला का पत्ता यहाँ लेने के लिए आए हुए हैं, तो वहाँ ले करके चलेंगे। और साथ में जो है हमारे साली साहब के यहाँ जो है फूल सब भी अच्छा खासा है, तो सारा फूल सब भी उठा करके यहाँ से ले चलेंगे। और पता चला है कि अब पंडित जी जो है कुछ ही देर में जो है आने वाले हैं, तो हम लोग चलते हैं। हो गया, थोड़ा बड़का पत्ता लेना ना, वो चार को जो बांधता है वो चौकी को, उस टाइप का चाहिए हमको। यहाँ पर तो हमारा पूजा का सामान आ गया जी, और बाकी हमारी भाभी सब भी आ चुकी है, मामी सब भी आ चुकी है पूजा में शामिल होने के लिए। और उसके बाद जो है पंडित जी कब आएंगे? पंडित जी बोले हम तुरंत आ रहे हैं, उसके बाद महादेव बनेगा। अच्छा, उनके आने के बाद है। बोले के लेकिन हम दीदी थोड़ा आ रहे हैं। हां, भाभी नहीं, अनुज। अनुज हां, ये बहू। हां हां, वो मेरी बेटी। हमारे छोड़ना, इसको भी कहो ये मेरी बहन। अच्छा, उसको तो हवाले है मुझसे। हां, उसको तो शास्त्र जी कुंवर जो है वो जान। आप तो उसका अलमान है, तो भाई है। चलिए ठीक है। जल भी चाहिए ना, मट्टी मिला दिया है सारा मट्टी। नहीं, गुरुबा महादेव तो पंडित जी बने थे मोटपोती वाला। और अब आगे आइए, आगे आगे इधर। हां, कभी ना तो जी हम हो गए हैं तैयार, और क्रियांश भी अपने लुक में आ गया है। तो सोचा कि आज यह लोग ट्राई करते हैं दोनों बागेटर मिलकर के। और क्रियांश जो है जब से यहाँ नीचे सारा सामान देख रहा है, सोच रहा है कि नीचे जाए और सारा सामान भी इधर उधर फैल रहा है, तो इसको संभालने की जिम्मेदारी आज हमारी है। और आज पूजा पर जो है मेरा छोटा भाई बैठ रहा है, और छोटा भाई ही नहीं, हाँ समस्त परिवार के सदस्य बैठ रहे हैं। अच्छा, समस्त परिवार के सदस्य। चलिए चलिए, अच्छा है। परिजन सौम्य जन। हाँ, और यहाँ पर देख सकते हैं जी पूजा को लेकर के जो है लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। यहाँ सामने से एक बार दिखा देंगे यहाँ पर मोनू जी, थोड़ा इसको जल से धोइए। तो भाभी बताइए कितना महादेव बनने वाला है? 11,000 महादेव। क्योंकि अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, कब बनेगा बोलो? बन जाएगा, कोई नहीं, बस एक बार रिस्क। भाभी ये तो पता है कि हो जाएगा। भाभी को तो ब्राह्मण नहीं है, मेरी बहू। ये नहीं बोले, भाभी को है अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस, तो इस वजह से हमको लग रहा है कि बन जाएगा। बनेगा, हम लोग सबको महादेव लगाते हैं। जग का मालिक स्वयं जगदीश है, उनकी दया होगी तो समय अनुसार सब कुछ हो जाएगा। सबसे एक बात, हम लोग तो करने वाले हैं, पूरा करने वाले महेश है, बताने वाले हमारे पंडित जी। पूजा तो शिव की दया से। जो भी यहाँ हो रहा है शिव की कृपा से और हमारे पंडित जी के आदेश से। हमारे पंडित जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सबसे मेरे ज्ञान के मामले में उनकी पूजा का अच्छी जानकारी है। तो जी, अब यहाँ पर हो गई है शुरुआत महादेव बनने की। तो लगभग 11,000 महादेव बनाया जाएगा, और उसके लिए हैं 5 लोग। तो देखते हैं कितने देर में समाप्त होता है यह।
बहुत उत्साह और उल्लास से और भगवान भोलेनाथ बहुत उम्मीद के साथ रचना की जा रही है कि सबका कल्याण हो। इसी लाइन में प्रभु हम कोई पीछे रखे, मेरा भाई का भी स्पेशल कल्याण हो, लेकिन उसका यात्रा और दिनों के तरह मीठे नहीं। अच्छा, मेरा भाई जरूर है, उम्मीद करते हैं मेरा भाई और मेरी छोटी बहन आएगी। चलो बहुत बढ़िया। हम कह रहे भोला बाबा हमारा 20,000 वाला छुट्टा है, हुआ अगले साल 40,000। तो अब ये यहाँ होने वाली है पूजा, तो पूजा में चलते हैं, हम लोग बैठते हैं। उससे पहले होने वाला है संकल्प, तो संकल्प में जो हमें भी बैठना होगा और क्रियांश को भी बैठना है, तो सभी लोग चलते हैं बैठते हैं। किसी
को सबको एक जगह कर दूंगा। चालीस चालीस हो गया। दादा से को पीछे रखे चालीस चालीस मुझे नंबर दीजिए। ऊपर का जवाब दीजिए। हो गया विद्यालय अर्पण भरोस बना जवाही देवताभ्यो नमः जी। धूप दीप रक्षा दीजिए सफेद चावल भी दीजिए। ओ मखंडल ऋतु फल निवेदन निवेदन हम भरोस बना जवाही देवताभ्यो नमः। आसस्ताय जसासनाय जलाधिनाथा। न्यूनतम अधिकतम नहीं न्यूनतम अरे दो तारीख को खड़ी दे। अच्छा दे दिया हाथ धोली मछ में बांधे दिया चीनी वाला पूरा दिया।